गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रिंस बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है आई एन एस वॉल्सुरा तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट्स कलर जो है वो अवार्ड किया है प्रेजेंट किया है आईएनएस एन को तो आईएनएस एन क्या है एक टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग एकेडमी है जो कि इंडियन नेवी के लिए बनाई बनाई गई है तो जो प्रेसिडेंट कलर जो होता है वो आपको पता होगा कि एक ऐसी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है जिन्होंने एक्सेप्शनल सर्विस दी हो देश के लिए ठीक है चाहे वो पीस का टाइम हो चाहे वॉर के टाइम पर तो अब नेवी जो है हमारी इंडियन नेवी वो सबसे पहली आर्म्ड फोर्स थी जिसको 1951 में द देन प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रेसिडेंट्स कलर दिया था ठीक तो है, है तो हम देखते हैं आई एन एस वलसुरा क्या तो एक प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जामनगर में सिचुएटेड है ऑफिसर्स को आ, ऐसी ट्रेनिंग देते हैं ताकि जो वो सोफिस्टिकेटेड या टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट है वॉरशिप्स के ऊपर उनको चला सकें उनको ऑपरेट भी कर सकें और उनको मेंटेन भी कर सकें ठीक है तो उसके लिए जो है आईएनएस एन को इस बार जो है प्रेसिडेंट्स कलर पेश किया गया नेक्स्ट so, टॉपिक हमारा है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फंड तो अब ये नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फंड ये श्रीलंका से रिलेटेड है क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फंड बनाएंगे जिससे कि जो वॉर अफेक्टेड एरियाज़ जो तमिलियन वॉर हुई थी उस टाइम पर उस से जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो और प्रेसिडेंट गोटाबाया राजूपक्शा ने यह भी बोला है कि जो इनफोर्स डिसअपेयरेंस केसेस हैं थे या फिर जो स्टेट एजेंसीज लैंड ग्रैब्स कर रही थी उस एरिया में उनको भी जो है वो प्रोप किया जाएगा ठीक है तो एक तरह से तमिल लोगों को तेरह साल के बाद एक तरह से प्लेकेट करने के लिए ये फंड भी बनाया जा रहा है और ये अश्योरेंसेस दी जा रही हैं तो आपको पता होगा कि श्रीलंकन जो है अभी गवर्नमेंट में या श्रीलंकन इकोनॉमी जो है बहुत ही बैड फेज से गुजर रही है तो इंडिया से उनको असिस्टेंस की भी ज़रूरत है इंडिया का भी प्रेशर था और भी जो है ग्लोबल भी प्रेशर उनके पा ऊपर आ रहा है तो उनको अगर फ़ंड्स चाहिए फंड्स लेने होंगे या बाहर मार्केट से लोन उठाना है तो उनको कुछ तमिलियंस को जो है वो कुछ ना कुछ जो है असिस्टेंस देनी पड़ेगी तभी जो है उनको ग्लोबल मार्केट्स में बाहर की कंट्रीज़ खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ या वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक आई वगैरह तभी उन्हें लोन देंगे तो इसलिए ये ऐसे जो है एक तरह से ये ऑलिव ब्रांच दी जा रही है ठीक है तो क्या अनाउंस किया प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट ने बोला कि जो लॉन्ग टर्म डिटेनिस हैं उनको हम रिलीज करेंगे फिर जो आ, स्टेट एजेंसीज थी जो डिफरेंट स्टेट एजेंसीज श्रीलंकन गवर्नमेंट की जो लैंड ग्रैब करके बैठी थी उस एरिया में उनको खत्म किया जाएगा अगर इन्फोर्स डिसअपेरेंसेज केसेज हैं उनको इंक्वायरी की जाएगी और एक स्पेशल डेवलपमेंट फंड भी बनाया जाएगा उस एरिया के लिए ठीक है तो उन्होंने बोला है कि हम हमारा मोटिव यह है कि हम उस एरिया की डेवलपमेंट करें और पोलिटिकल पावर डेवोल्यूशन करने से पहले हम, वहाँ पर हम डिवेलपमेंट uh, करना चाहते हैं तो ऐसा प्रेजिडेंट गोटाबे का प्रॉमिस है उनको ठीक है तो अब ये सारा अगर आप इसको ध्यान से सुनो सोचोगे तो ये सारा इसीलिए किया जा रहा है कि वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को या इंडिया को थोड़ा प्लेकेट किया जा सके ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज वर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से गुजर रहा है श्रीलंका तो उनको जो बाहर से मार्केट बॉर्स करनी है उस वो थोड़ी सी ईजी हो जाए ठीक है जो एम्बार्गो उनके ऊपर लगे हुए हैं वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन के वो थोड़े से हट जाएँ ठीक है so, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रपेडनेस इंडेक्स 2021 तो गुजरात जो है उन्होंने सेकेंड टाइम अब ये एक्सपोर्ट एक प्रपेडनेस इंडेक्स 2020 में स्टार्ट हुआ था नीति आयोग ने स्टार्ट किया है तो फर्स्ट टाइम में भी गुजरात फर्स्ट पे नंबर पे था इस बार भी गुजरात फर्स्ट नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रपेडनेस ठीक है तो महाराष्ट्र कर्नाटका और तमिलनाडु सेकेंड थर्ड और फोर्थ रैंक पर आए हैं और मोस्ट ऑफ देम जो है जो है कोस्टल स्टेट्स ही हैं जो कि जहाँ पर हायर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी देखी गई है और यहाँ पर एक्सेस टू सी पोर्ट्स है इसीलिए यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा होते हैं ठीक है थीके? तो अब इसके कुछ ना पैरामीटर्स हैं इस इंडेक्स को बनाने के लिए नीति आयोग ने इसको बनाया कोर्स जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन फिर बिजनेस एंड एक्सपोर्ट इकोसिस्टम फिर तो उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस तो ये कुछ ऐसे आपके पैरामीटर्स हैं कुछ ऐसे मापदंड हैं जिनके बेसिस पर ये इंडेक्स बनाया गया और उसके हिसाब से रैंकिंग की गई है तो इसी इंडेक्स ने ये भी बोला है कि कुछ चैलेंजेस भी हैं कि क्यों इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नहीं बढ़ते तो उन्होंने बोला एक तो इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर और इंटर मतलब दो दो या दो से ज़्यादा रीजन्स के बीच में भी जो है डिफ्रेंसिज हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अब समझ लो गुजरात और समझ लो पंजाब इनके बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात या फिर आप आ, कोई और आ, बिहार या कोई उड़ीसा ऐसी स्टेट ले लोगे उनमें भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आ, जो है वो डिफरेंस है ठीक है तो इसीलिए जो है आ, उन्होंने बोला कि ये जो रीजनल डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो ऐसी जो स्टेट्स जो है वो कर पा रही हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ठीक है तो अब ट्रेड सपोर्ट और ग्रोथ भी नहीं मिलता है कुछ स्टेट्स में ठीक है बहुत सारी स्टेट्स जो हैं उनकी गवर्नमेंट तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट्स ऑफकोर्स एक्सपोर्ट या ट्रेड फ्रेंडली हैं लेकिन बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट भी हमारी जो ट्रेड फ्रेंडली नहीं है फिर उन्होंने बोला कि आर डी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जो है सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है कुछ स्टेट्स में उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो है वो सफर करते हैं तो कुछ अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है तो पहली बात तो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ है ना फिर उसके बाद इंडस्ट्रिया अके, इंडस्ट्री अकेडमिया या लिंकजेस बनाओ ताकि आर एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंट्री में क्रिएट हो सके फिर स्टेट लेवल एंगेजमेंट्स भी होनी चाहिए इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की मतलब जो जैसे बॉर्डर स्टेट्स हैं जिसको आप पैरा डिप्लोमेसी भी कह सकते हो जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को आप आ, जो है कहो कि वो बांग्लादेश के साथ थोड़ा जो है अपना ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करें पंजाब गवर्नमेंट को बोलो कि पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते चाहे कैसे भी हों पर ट्रेड वो प्रमोट करने के लिए हम उनके साथ कर सकते हैं ठीक है फिर जो है ऐसे ही उत्तर प्रदेश बिहार जो है वो नेपाल के साथ कर सकता है या ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर शेयर कर रही हो वो कंट्री तो ही आप करो बट अक्रॉस द सेक्टर भी आप कर सकते हो जैसे आपको पता होगा आंध्र प्रदेश इज़ पार्टनरिंग विद तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आर पार्टनरिंग विद सिंगापुर ऐसी ऐसी कंट्रीज़ के साथ जो है पैरा डिप्लोमेसी को भी आप थोड़ा मौका दो ठीक है फिर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आपको सारे स्टेट्स में से एक्सपोर्ट्स बनाना पड़ेगा सारे स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेक्टेड कोस्टल स्टेट से ही आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ आपको हर जगह से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए देखना पड़ेगा ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशन नेशनल डॉल्फिन डे तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि फिफ्थ ऑफ अक्टूबर को हर साल अब से नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा ताकि कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन के लिए हम अवेयरनेस जनरेट कर सकें ठीक है तो अब आपको बताया है कि कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉल्फिन जो हैं आपके इकोलॉजिकल इंडिकेटर हैं ठीक है थेके? मतलब अगर आपके अगर एक्टिक इकोसिस्टम अच्छा है हेल्दी है तो ही वहाँ पर वो डॉल्फिन होगी उससे हमें एक तरह से वो इंडिकेटर है कि हमें पता लग जाता है कि हमारा जो एक्टिक इको है वो साफ़ सुथरा है

एंडेंजर्ड uh, है तो अब ये किसने डिसाइड किया कि नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा तो आपकी जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की एक स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने ये डिसीजन लिया है ठीक है तो वैसे तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को कौन चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेकिन जो इनकी स्टैंडिंग कमेटीज होती है उनको चेयर उनके चेयरपर्सन मोस्टली इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं और उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो ये डिसीजन ले सकते हैं ठीक है थीके? तो जैसे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है अंडर सेक्शन फाइव ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और ओवरऑल जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसको जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ठीक है उसमें भी मेंबर्स होते हैं जैसे कुछ पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे फिर एन होंगे कंजर्वेशनिस्ट uh, इन्वायरमेंटलिस्ट ये सब इसके मेंबर्स होते हैं ठीक है तो टोटल फोर्टी सेवन के करीब मेंबर्स होते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोयना प्रोजेक्ट तो भी एक सी की रिपोर्ट में पता लगा है कि जो uh, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अप्रूवल में डिले होने की वजह से जो है ढाई सौ करोड़ के आसपास का जो खर्चा जो कि अप्रूव किया गया था उसको उसको अप्रूव नहीं किया गया था वो ऐसे ही आइडल पड़ा रहा पिछले छः साल से ठीक है तो ये आपका कोयना प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये खर्चा जो है ये आइडल पड़ा रहा पिछले छः साल से ये सी की रिपोर्ट कह रही है तो हमको कॉन्ट्रोवर्सी में भी नहीं जाना है हमें पता होना चाहिए कि कोयना प्रोजेक्ट क्या है और कोयना रिवर क्या है तो कोयना प्रोजेक्ट आपका जो है कोयना रिवर पर बना है कोर्स और ये कोयना नगर जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में वहाँ पर इसको बनाया गया है तो वेस्टर्न घाट्स में ये प्रोजेक्ट बनाया गया है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और थोड़ी बहुत इरिगेशन के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था तो ये इसको हम कहते हैं कि लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इंडिया का और नाइनटीन में एक अर्थविक आया था कोयना नगर में तभी थोड़ा सा क्रैक्स वहाँ पर डिवेलप हो गए थे ठीक है सो उसकी वजह से इसको थोड़ा रिपेयर किया जाता है और इसकी जो है वो इसके फेजेस और बढ़ाए जा रहे हैं इसको बड़ा किया जा रहा है तो उसमें जो है भी ये ऊपर आपको एक स्टडी देखने को मिली है कि कुछ खर्चा जो है वो आइडल पड़ा रहा कुछ पिछले छः साल से तो एनी हम देखते हैं कि कोयना रिवर क्या है तो कोयना रिवर जो है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है महाबलेश्वर से निकलती है ये जहाँ पर कोयना और कृष्णा रिवर मिलती हैं उनको हम प्रीति संगम कहते हैं ठीक है तो को जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और कृष्णा से मिलती है जहाँ से कृष्णा जहाँ ये कोयना रिवर कृष्णा से मिलती है उसको हम कहते हैं कराद कराद मतलब सत्रह डिस्ट्रिक्ट में एरिया है और ये कराद एरिया ही आपका जो है वो शुगर के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत फेमस है ठीक है तो ये आपकी कोयना रिवर जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बहती है और इसको लाइफ ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नासी बीच तो अभी ऑलमोस्ट ढाई लाख ऑलिव ऑलिडलिट सी टर्टल्स जो हैं वो नासी टू बीच के पास पहुंच गए हैं जो कि गहिर माथा मरीन सेंचुरी ओडिशा के कोस्ट के पास है वहां पर ये सिचुएटेड है वहां पर ये इतने सारे ऑलिव रिडलिट सी टर्टल्स हमको देखने को मिले हैं तो कहा जा रहा है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपनिंग डे अराइवल्स है टर्टल्स का इस इस साइड पर ठीक है तो ये नासी वन और नासी टू बीच जो हैं दोनों ये अभी वैसे डी के जोरिस्डिक्शन में आते हैं यहां पर जो है पास में आपका व्हीला

प्रोटेक्टेड हैं ठीक है थीके? तो आपके जो ये माइग्रेटरी स्पीशीज कन्वेंशन है और कन्वेंशन ऑन uh, uh, जो आपका साइट्स है उन दोनों में भी इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है ठीक so, है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तो यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि प्रधानमंत्री uh, गरीब कल्याण योजना को अगले छः महीने के लिए सितंबर 2022 तक दोबारा जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है इसको ओरिजिनली अप्रैल 2020 में जो है इंट्रोड्यूस uh, किया गया था और तब से हर साल हर छः महीने बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है uh, और ये सिक्स एक्सटेंशन होगी इसकी और हर एक्सटेंशन पर ऑलमोस्ट अस्सी हज़ार करोड़ रुपये का खर्चा आता है गवर्नमेंट का इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो 80 करोड़ जो है वो पुअर लोगों को एक तरह से फ्री राशन दे रही है पाँच किलो वीट या फिर राइस और जो है वन के जी ऑफ प्रेफर्ड पॉलिसीज़ उनको हर महीने दी जाती है पर पर्सन ठीक है पर फैमिली नहीं पर पर्सन ठीक है सो so अब इसमें जो है ढाई टू पॉइंट सिक्स लैख करोड़ ऑलरेडी गवर्नमेंट स्पेंड कर चुकी है अस्सी हज़ार करोड़ रुपये और स्पेंड किए जाएँगे सितंबर 2022 तक इस बार तो जो आपको पता है कि हमने पिछले साल राशन कार्ड की भी पोर्टिबिलिटी वन नेशन वन राशन कार्ड हमने स्कीम के थ्रू राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी भी हमने शुरू कर दी है तो ऑलमोस्ट फाइव लाख राशन शॉप्स हैं कंट्री में तो अभी तक टोटल हमको देखने को मिला कि सिक्सटी करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन हमको देखने को मिली है। मतलब कि माइग्रेंट वर्कर्स अपने जो है वो दूसरे स्टेट में जाकर राशन की जो है वो बेनिफिट्स ले रहे हैं ठीक है सो so, हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं इस स्कीम के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो है योजना में क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो अब आपके जो है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बेनिफिशरीज़ को राशन मिलता है खासकर जो अंत्योदय अन्न योजना प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर्स हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के और जो आपके एन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको ये राशन दिया जा रहा है और अस्सी करोड़ ऐसे पुअर लोग हैं जिनको ये फाइव के जी या फिर राइस और वन के ऑफ प्रेफर्ड पल्स फ्री एवरी मंथ मिलता है अब ये सितंबर uh, 2022 तक मिलना है ठीक है तो याद रखो ये पर पर्सन है नॉट पर फैमिली ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज INS Valsura So President Ramnath Kovind has uh, recently presented the President's Colour to INS Valsura So INS Valsura is basically a technological training establishment of the Indian Navy So this President Colour is bestowed to a military unit in recognition of their exceptional service they, which they have rendered to the nation both in times of peace and war and it was first given to uh, Indian Navy which was of course the first Indian armed force to receive this uh, honour by the President in 1951 so about the ins valsura it's a premier technological inst training institution uh, located in jamnagar that is in gujarat and it trains officers and uh, men on operating and maintaining the sophisticated and technologically advanced equipment which is on board on warships okay so now let us see the next topic which is northeast development fund so this is related to north india's northeast but rather uh, sri lanka's northeast because it was a zone of conflict during the tamilian issue and uh, now the sri lankan government has set up this northeast development fund to increase investments in this war affected areas uh, and the president of uh, uh, sri lanka has also uh, assured the tamilian community that they will probe all the cases of enforced disappearances and land grabs by state institutions so why why this uh, magnanimity, magnanimity is being shown by president gotabaya rajapaksha suddenly so you know that uh, sri lanka is uh, passing through its worst uh, foreign exchange crisis and uh, even India has uh, offered uh, them help, but still, of course, it is not enough uh, for Sri Lanka, so it wants to tap the uh, foreign exchange or foreign uh, or the money uh, from the Western institutions like World Bank or even American government or other European governments. Okay, so but they are not willing to help uh, Sri Lanka during this crisis because of the uh, human rights record of the Sri Lankan government with respect to Tamils. Okay, so now that's why president gotabaya rajapaksha is offering an olive branch to these uh, tamil national alliance and tamilian people so that at least he can get into the good books of uh, western institutions and secure a loan for his country. okay? so what are the announcements that he has made? so he has said that uh, the government will release long-term detainees and they will end the incessant land grabs uh, in this region by different state agencies. Uh, the government will also inquire about the enforced disappearance disappearance cases and there is also a plan for uh, establishing a special development fund for the north and east region okay so he has continuously emphasized that his preference is uh, upon the development of this region uh, uh, over political power devolution to this area. so that's why he has been focusing upon development of these areas through investments. okay? so now let us see the next topic, which is export preparedness index of 2021. so this export preparedness index was launched by niti aayog in the year 2020. it was the first report. and now this one is the second report but again gujarat has topped the chart and it has become the top state of india in terms of export preparedness once again uh, in 2020 also it was on the first rank and now uh, maharashtra karnataka and tamil nadu have uh, secured the second third and fourth uh, rank respectively and uh, most you you can see that most of the states are coastal and they have higher industrial activity and they have also have access to seaports okay so uh, this uh, index is prepared on the basis of four parameters so like these are these parameters are exports promotion and facilitation uh, business and export ecosystem as as and the actual performance in outbound shipments okay so it also has identified this uh, index has also identified that there are certain challenges to India's export promotion efforts like there are intra and inter-regional differences you know that states have different level of uh, priority to trade and they. Uh, uh, some states are giving uh, strong support, uh, strong trade support to their exporters, but some states are lagging behind it. And there are some uh, states uh, do, who, who lack uh, this uh, export infrastructure, whereas some states like Gujarat or even these coastal states of Maharashtra and Tamil Nadu they have uh, better. They are better prepared to deal with export uh, exports and trade their infrastructure okay so there is also another issue there is lack of r&d infrastructure in such uh, some states so that's why it is important to address all these major challenges if we want over uh, uh, if we want to uh, uh, enhance the export promotion from the entire country okay so that's that is also way forward so like we have to uh, um, jointly develop the export infrastructure in the country we have to strengthen the industry academia linkages for the uh, r d infrastructure in the country and we have to also engage the states for economic diplomacy like you know i was giving an example in hindi that uh, certain states can uh, play a major role in uh, having diplomacy with uh, outside countries of course they may not if even if they not, may not be sharing borders with them but Paradiplomacy is a way forward for this export uh, promotion. Okay. So if we want India to be an atmanirbhar Bharat state, then we have to increase exports from all the states and union territories and it should not be confined to only the coastal and developed states. So the next topic is National Dolphin Day so recently environment minister has announced that october 5th will be designated as a national dolphin day so that we can create awareness about uh, conservation of dolphins so you know that uh, ben, uh, the dolphins are very important uh, ecological indicators of health uh, aquatic ecosystem so yeah, the presence of dolphins act as the Signal that the aquatic ecosystems are healthy. That's why we should uh, we should uh, be conserving them. So about the Ganges uh, River dolphin. So it is also known as Platanista gangetica. It is one of the five species of river dolphins. And it in Indian subcontinent, it is uh, found in Ganga, Pramaputra Meghna, and Karnaphuli, Sangu river ecosystems. So it is also it is uh, of course. Uh, uh, having the endangered status of iucn and about the national board for wildlife it is uh, constituted by the central government in under article i'm sorry section 5a of the wildlife protection act uh, there are certain standing committees under this national board for wildlife generally these standing committees are chaired by the environment minister himself and it consists of certain other bureaucrats of the ministry and uh, he is the chairperson of this, these standing committees but the overall chairperson for National Board for Wildlife is the Prime Minister of India. Okay, apart from the Prime Minister who, who is acting as the chairperson, there are other 47 members of this National Board for Wildlife and we, uh, these members include uh, people from Parliament also, members of Parliament are there, uh, NGOs are there, ecologists, conservationists and other environmentalists are also there. Okay, so the next topic is Koina Project. So recently, this project has was in news because uh, CAG report said that delaying the grant of revised administrative of approval to Koina Project uh, uh, led to. 250 crore uh, rupees of uh, expenditure lying idle for uh, more than six years. So, we do not know, uh, we, we do not need to go into the uh, controversy, we just need to see what is this Koina project and what is this Koina river. Okay, so this Koina project is, of course, uh, constructed on the Koina river, okay, and this. Uh, uh, this uh, this uh, project is situated in Nagar that is in Satara district of uh, Maharashtra. So this dam is uh, situated in Western Ghats, and it is meant to generate a hydroelectricity as well as uh, for a little bit of uh, irrigation. Okay, so it is also considered as the largest completed hydroelectric power plant in India. And during the uh, 1967 earthquake, it it developed a few cracks, but then it was repaired, and now it has it is being extended with. Uh, with different different phases so about the koina river it is a tributary of the krishna river and it originates in mahabaleshwar and the place where it meets krishna river it is called the karad that is in satara district of maharashtra the confluence of koina and krishna is called priti sangam and karad is, is the area uh, which is also uh, famous for the production of sugar and this koina river flows in the north uh, south direction it is also called the lifeline of maharashtra so, the next topic is Nasi Beach. So, about 2.45 lakh olive ridley tu sea turtles have reached this Nasi 2 beach of Gahir Matha Marine Sanctuary. You know that Gahir Matha Marine Sanctuary is the largest, uh, world's largest rookery of. Uh, uh, Olive Ridley sea turtles. So this uh, Nasi 1 and Nasi 2 beach belong to that area, but they are under the jurisdiction of DRDO. Okay, because the, there is a, a nearby Wheeler Island where the uh, missile tests are conducted by India. So that's why these two areas are under the uh, jurisdiction of DRDO, and the, this the these are also the areas where mass nesting of olive Ridley turtles takes place. Okay, so about the olive Ridley turtles, they are also known as the Pacific Ridley sea turtles, they are medium-sized species of sea turtles and they are found in warm and tropical waters of pacific and indian oceans um, they are classified as vulnerable uh, categories uh, vulnerable species under the iucn list and they are also protected under the schedule 1 of the indian wildlife protection act okay apart from that migratory species convention and sites uh, also offer them protection okay so the next topic is Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. So Union Cabinet has extended this Pradhan Mantri Garib Kalyan and Yojana for a period of uh, six months again. Uh, so it was started in uh, April 2020 when the first lockdown of COVID uh, was introduced. So this is the sixth phase. Every six months, this scheme is being extended by the Union Cabinet, and in every phase, almost 80,000 crore worth of uh, resources are being spent for this uh, scheme, and all, uh, till now. Now about 2.6 lakh crore uh, rupees have been spent by the government, and in this phase, also 80,000 crore rupees will be spent uh, for the next uh, six months till to September 2022. Okay, so with Russian card portability the beneficiaries can access ration across the country and from anywhere from the 5 lakh ration shops which are present uh, across the country uh, we have so far seen about 61 crore such transactions uh, which means that 61 crore people uh, 61 crore uh, Russian uh, holders have uh, 61 crore transactions have happened uh, even if they are done by a few people of course because you it is not 61 crore people uh, uh, taking the benefits. It means that 61 crore total transactions have happened. People may have gone for multiple transactions also uh, every month, so they are all included in these in these figures. Okay. So, anyways, the benefits for this scheme are that uh, free of cost ration uh, of uh, 5 kg wheat or rice or 1 kg of preferred pulses uh, are given per person for free every month to 80 crore poor people. So the benefic beneficiaries include the Anayojana and Priority Household Russian card Holders uh, who are covered under the Public Distribution System and uh, those who are the beneficiaries of NFSA that is the National Food Security Act. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.